ओके, आज बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी F55 स्मार्टफोन के बारे में, जो कि न्यू लॉन्च हो रहा है, सही है। और उसके कंपैरिजन में, जो आपको भी पता ही होगा, अभी तक आपको भी आइडिया लग गया होगा कि सैमसंग M और F सीरीज़ में लगभग सिमिलर से फ़ोन लॉन्च करता है, तो जो M55 है, जो पहले से लॉन्च हो चुका है, उसके क्या रिव्यूज़ चल रहे हैं, क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंसेस है, या फिर से वो पूरे तरह से सेम है, ये लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सेल चैनल क्या होगी। इसकी सेल चैनल मतलब बेसिकली किस तरफ से ये सेल होगी। तो फ्लिपकार्ट के ऊपर ये ऑनलाइन एक्सक्लूसिव रहेगी, लेकिन ऑफलाइन स्टोर्स में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि ये सीरीज़ फेमस हो रही है आजकल। एम सीरीज़, एफ सीरीज़ आपको ऑफलाइन में भी देखने मिल रही है। क्लियर है। लॉन्च डेट जो निकल के आई है, वो निकल के आई है 9 मई। डिज़ाइन थोड़ा सा कुछ स्पेशल है इस बार, थोड़ी सी प्रीमियमनेस ऐड करने की कोशिश की गई है। अगर आपने देखा हो कि लास्ट कुछ मंथ्स में, स्पेशली 2023 के एंड से, वीगन लेदर फिनिश जो है, रियलमी ने एक ट्रेंड स्टार्ट किया अपने मिड रेंज में देने का। उसके बाद मोटो तो इसको बजट तक लेके चला गया, सही है। आपने देखा होगा कि मोटो के 10-11 हज़ार के फ़ोन में भी वीगन लेदर फिनिश के साथ आया था वो। तो वीगन लेदर जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, सैमसंग भी आ गया उसमें, और इसमें आपको वीगन लेदर फिनिश देखने के लिए मिल रही है। M55 में ये नहीं मिला था, तो वो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगा। दो शेड अभी तक लीक हुए हैं, ऑरेंज और ब्लैक। ऑरेंज जो है उसकी तो पिक्स आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर अभी से ही मिल जाएगी, है ना। ब्लैक अभी तक शो नहीं हुआ है। फ्रेम जो है वो आपको प्लास्टिक की मिलेगी। प्लास्टिक की फ्रेम होने की वजह से वेट जो है वो बहुत अच्छे से 180 ग्राम्स तक का रखा गया है। 200 से नीचे कुछ भी, मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों का स्मार्टफोन उसी एरिया के अराउंड रहता है, तो आपको कंफर्टेबल लगेगा। डिस्प्ले पे आते हैं। डिस्प्ले के लिए सैमसंग बहुत फेमस है, क्योंकि खुद की स्क्रीन बनाता है, वो बोलते हैं ना अपने घर की खेती वाली बात है इसमें। तो सुपर एमोलेड स्क्रीन आपको मिल जाती है 6.7 इंच की, पंच होल के साथ, तो थोड़ी सी मॉडर्निस्टिक। 120 हर्ट्ज सपोर्ट करती है रिफ्रेश रेट। अगर इसके ब्राइटनेस की बात की जाए, तो 1000 निट्स क्लेम्ड है। आजकल ये भी बहुत ट्रेंड चल रहा है कि भाई ब्राइटनेस का क्या सीन है क्या नहीं, तो 1000 निट्स की ब्राइटनेस, जो कि मुझे लगता है एडिक्वेटली ब्राइट है, स्पेशली अब जो समर्स आ रहे हैं, तो अब धूप वगैरह में बाहर यूज़ करोगे तो सही है। अब आते हैं इसके CPU के ऊपर, प्रोसेसर के ऊपर। प्रोसेसर आजकल सिर्फ CPU नहीं हो गया, वो सब मिक्स हो गया है। खैर, स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 आपको मिल जाता है। एंतुतु स्कोर, ये मतलब, या ये जनरल एक गूगल सर्च बस नहीं है, ये एंतुतु के वेबसाइट से भी मैंने देखा है, तो उसमें 6 लाख के क्लोज स्कोर बताया गया है। और कंपैरिजन बेसिस पे, एंतुतु के आप वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ कंपैरिजन बेसिस पे वो सिमिलर स्कोर्स के डिफरेंट चिप्स को लिस्ट कर देते हैं एक इसमें, सही है। तो एक्जिनोस वेरिएंट, अगर अपने सैमसंग के स्मार्टफोन से या वो एक दो वीवो के स्मार्टफोन को भी सप्लाई करते हैं, तो एक्जिनोस 1080 से इसका परफॉर्मेंस मैच होता है। अगर आप मीडियाटेक में चले जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा डायमेंसिटी 1200, 7200 और 8000। ये तीनों ही चिपसेट अलग अलग टाइम पे आए हैं। 1200 थोड़ा पुराना हो गया है, 7200 और 8000 थोड़ा सा न्यूअर चिपसेट है, तो ये तीनों के स्कोर्स लगभग सिमिलर आए हैं परफॉर्मेंस बेसिस पे। अगर आप एग्जांपल्स की बात करो, तो 7200 के एग्जांपल्स तो मुझे ऐसे याद हैं, नथिंग फोन 2A क्योंकि आया था, रेडमी नोट 13 प्रो आया था, तो वो सब भी लगभग 20,000 के आसपास के फ़ोन हैं, तो उस सीरीज में आप देख सकते हो। 1200 तो पुराना हो गया, तो उसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। बैटरी पे आ जाते हैं। बैटरी जो आपको मिलेगी, वो आपको मिलेगी 5000 mAh की। हाँ, एक बात और कि सिर्फ ऐसे रॉ स्कोर से भी और भी चीज़ें डिफ़र करती हैं, तो ये एक आइडिया देने के लिए है। खैर, 5000 mAh की आपको एक बहुत सही बैटरी मिलेगी। मिड रेंज में आजकल 5000 इज़ बेसिक, 5000 की मिलती ही है। 45 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट मिल रही है, जो कि सैमसंग मिड रेंज में पहली बार हो रहा है M55 के बाद, क्योंकि M55 F55 सिमिलर ही फोन्स हैं। लेकिन एट द रेट 3000 मैंने इसलिए रखा है, क्योंकि चार्जर तो आपको बॉक्स में मिलेगा नहीं, आपको 3000 रुपये का, अगर आप ओरिजिनल सैमसंग का चार्जर लोगे तो आपको 3000 रुपये का 45 वॉट का चार्जर पड़ेगा। हाँ, फर्स्ट सेल के दिन कुछ ऑफर्स हो सकते हैं, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। नहीं, अगर आप बेसिक चार्जिंग स्पीड से ही खुश हो, तो या तो आप अपने पुराने स्मार्टफोन का ही चार्जर यूज़ कर लो,
सही है, अगर आप रात में ही चार्ज करते हो यूजुअली सोने से तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, मेरे पर्सनल यूज़ में मैंने देखा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ लेकिन अगर आपको सैमसंग का ऑफिशियल ही चाहिए, अगर आप उस माइंड सेट के हो कि भाई सेम चार्जर ही होना चाहिए, तो आप 25 वॉट के साथ जा सकते हो, वो 1200 रुपये में ऑफिशियल 1200 रुपये में आपको मिल जाएगा। सही है, वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे लगता है। कैमरा जो है वो आपको मिलेगा 50+8+2 का रियर सेटअप ट्रिपल कैमरा और 50 मेगापिक्सल की सेल्फी। 50+8+2 में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है पीछे की तरफ, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, तो ये सैमसंग में अच्छी बात है। सैमसंग ये आज से फॉलो नहीं कर रहा है, काफ़ी टाइम हो गया। A30 वगैरह जो सीरीज आते थे है ना, वो जो वाइट कलर में आया था, उस ज़माने से वो अल्ट्रा वाइड कैमरा ऐड कर रहा है और उससे कुछ यूसेज भी होते हैं रियल लाइफ में, और सिर्फ मैक्रो और AI कैमरा वगैरह लगाने से मुझे नहीं दिखता कि कुछ खास यूसेज है, तो ये एक अच्छी बात निकल के आती है। अब आ जाते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर। सॉफ्टवेयर में भाई सैमसंग छक्के मार रहा है, बहुत मज़े दे रहा है मिड रेंज हो, आजकल तो बजट में भी मज़े देने लगा है। अगर आपने M15 देखे हो है ना, तो एंड्रॉयड 14 मिल जाएगा लेटेस्ट, One UI 6.1 के साथ। सॉफ्टवेयर सपोर्ट की अगर बात कर लो, सॉरी थोड़ा सा नीचे है, सॉफ्टवेयर सपोर्ट की अगर बात कर लो तो आपको 4+5 ईयर्स का सपोर्ट मिलता है। इसका मतलब 4 ईयर्स ऑफ मेजर एंड्रॉयड सपोर्ट, मेजर मतलब वर्जन चेंजेस, 4 साल तक जो भी न्यू वर्जन आएंगे उसका सपोर्ट, और 5 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए, पेरेंट्स वगैरह के लिए जो फ़ोन चेंज नहीं करते, ही फ़ोन रखते हैं सालों साल, वो सब सेंस में ये बेहतरीन है। या अगर आप स्टूडेंट हो है ना, और स्टूडेंट्स को कभी कभी होता है कि भाई एक ही फ़ोन चला रहे हो, कुछ भी ज़्यादा इधर उधर नहीं चाहिए, कि एक फ़ोन ले लिया 3-4 साल जो भी आपके प्रिपरेशन का टाइम है, कॉलेज के थ्रू का टाइम है, वो निकल जाए, तो उस सेंस में भी एक लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट मदद करता है। साउंड पे आते हैं, आजकल ये भी एक बहुत डिस्कस्ड फीचर हो गया है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको मिल जाएंगे डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ में। एडिशनल फीचर्स की बात करें तो आपको मिलता है इसमें सैमसंग वॉलेट, नॉक्स, हिडन फोल्डर, पता नहीं उसको कुछ तो भी बोलते होंगे, अगर स्पेशल तो पता नहीं, NFC का सपोर्ट, कॉल रिकॉर्डिंग। कॉल रिकॉर्डिंग तो हर फ़ोन में होती है, लेकिन यहाँ कॉल रिकॉर्डिंग लिखने का मतलब है कि कोई भी सामने वाले को इंटीमेशन नहीं जा रहा है, कोई भी डॉट या ब्लीप या योर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, कुछ भी नहीं, साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग होती है। वाइड वन L1 का सपोर्ट मिलता है, ये स्पेलिंग गलत हो गई है, वाइड वाइन बोलते हैं उसको, खैर कोई बात नहीं, ऑटो करेक्ट हो गया होगा। प्राइस पे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, 25,000 के अराउंड ये शुरू हो सकता है। ठीक है, 8128, 8256 और 12256, ये बिल्कुल M55 जो लॉन्च हुआ है उस पर मैंने अमेजोन पे प्राइस देख के यहाँ कॉपी कर दिया है। हाँ, सेल में वो अभी और भी चीप जा रहा है, अभी आपको पता होगा सेल चल रही है, तो वहाँ से आप और चीप में उसको कलेक्ट कर सकते हो। डिफरेंसेस की बात कर लें बहुत जल्दी से, तो देखो पहले ही तो डिज़ाइन एंड फिनिश पे डिफरेंस है, कि उसमें एक नॉर्मल बैक है, इसमें वीगन लेदर बैक है, तो आपको थोड़ी सी प्रीमियमनेस का डिफरेंस है। अगर आप केस यूज़ करते हो तो मुझे पता नहीं कि क्या ही डिफरेंस हो जाएगा। सही है, दूसरी बात जो यहाँ नोट करने वाली है कि उसका जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर था, क्योंकि इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 120Hz वगैरह वगैरह, तो उसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया गया है, वो रिव्यूज़ में स्लो बताया गया, आप खुद देख सकते हो, मेरे बात पर बस विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद देख लो है ना, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। बाकी का फ़ोन बिल्कुल सिमिलर है, तो इतना ही रखते हैं, और 9th में को जब ये लॉन्च हो जाएगा तो आप और वीडियोस से बाकी इन्फॉर्मेशंस, बेटर यूज्ड इन्फॉर्मेशंस ले सकते हो। चलो फिर बाय, नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।